दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर के वोटरों का चुनावी मूड समझते हुए जी हिंदुस्तान की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है असम के गुवाहाटी। देश के 15 राज्यों के चुनावी पड़ताल के बाद, चुनावी यात्रा के बाद हम पहुंच चुके हैं आसाम और इस वक्त मैं आसाम और पूर्वोत्तर के सबसे बड़े जिले गुवाहाटी में मौजूद हूं। आसाम का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा एनआरसी, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती रही, आज हम एनआरसी के इस मुद्दे पर गुवाहाटी के लोगों से जानेंगे राय। इसके साथ साथ हम इसकी भी पड़ताल करेंगे कि पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास किन पार्टियों ने अपने एजेंडे में ऊपर रखा या फिर किन पार्टियों ने सिर्फ वायदों का झुंझुना थमा दिया। तो चलते हैं आसाम के इस गुवाहाटी में और करते हैं आज चुनावी पड़ताल। असम की गुवाहाटी लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। बीजेपी ने 3 बार की विजेता और मौजूदा सांसद बिजॉय चक्रवर्ती का टिकट काटकर क्वीन ओझा को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से बॉबीता शर्मा प्रत्याशी हैं। गुवाहाटी लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। असम संस्कृति के सबसे बड़े दिग्गज भूपेन हजारिका इसी सीट से 2004 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि वे दूसरे नंबर पर रह गए थे। इसी साल 26 जनवरी के मौके पर मोदी सरकार ने भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दावा करते रहे हैं कि उनके एजेंडे में पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर का विकास सबसे अहम रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि मोदी सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं पूर्वोत्तर के सबसे बड़े जिले गुवाहाटी के मतदाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुराद अशर गुवाहाटी। मोहम्मद मुराद साहब, ये पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा जिला है, डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ क्या क्या देखा है आप? डेवलप जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये सब रोड देख रहे हैं, ये पार्क देख रहे हैं, गोल चक्कर देख रहे हैं, ये सब डेवलप है। लेकिन ये डेवलप ये कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने किया, मतलब आपको लगता है कि इन चुनावों में, क्योंकि देखिए मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं तो ये जो सीट है, अगर खास तौर पर अगर गुवाहाटी की बात मान ले तो यहाँ बीजेपी का दबदबा है। यहाँ पर 3 बार से सांसद रहे हैं बीजेपी के और इसीलिए यहाँ कांग्रेस फिर से आने को छटपटा रही है। ऐसे में लगता है कि इस बार जब लोग वोट देने जाएंगे तो आसाम के, खासकर गुवाहाटी के लोग, किसकी सरकार की तरफ रुझान दिख रहा है? सरकार की तरफ तो नहीं, लेकिन जो यहाँ दो कैंडिडेट है, हाँ, दोनों कैंडिडेट में टक्कर है। टक्कर है, हाँ। कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है, लेकिन देश के चुनाव में अगर दो राष्ट्रीय चेहरे को पूछा जाए तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोग वोट देंगे। इस बार आसाम से क्या रुझान? आसाम से हमको लग रहा है जो 50-50 रहेगा। 50-50। देखिए यहाँ पर स्थितियाँ अगर आप देखने की कोशिश करें तो आसाम में और खासकर गुवाहाटी, क्योंकि सबसे बड़ा, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा जिला है, यहाँ पर 40% आबादी जो है वो शहरों में रहती है, लेकिन बाकी जो आबादी है वो गांव में रहती है। वहां तक मैं आपको लेके जाऊं, लेकिन इससे पहले बता दूं कि 10 विधानसभा सीटें हैं, 6 में बीजेपी है और 4 पर यहाँ कांग्रेस का दबदबा है। आगे चलकर जानते हैं। क्या ले जा रहे हैं आप? ये रुक जाइए, क्या नाम है आपका? कैलाश गुप्ता। कैलाश गुप्ता जी, क्या है ये? ये गैस का गुब्बार है। रोजगार कैसे चलता है, काम धंधा ठीक? बहुत बढ़िया मैडम। यहाँ की सरकारों ने काम किया है आप लोगों के लिए, योजनाएं पहुँचती हैं? हाँ, यहाँ की सरकार काम की है, बीजेपी सरकार ने काम किया है। इस बार क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं? क्योंकि वो काम के नहीं है। काम के नहीं, यहाँ बहुत सालों तक कांग्रेस का राज रहा, बहुत सालों तक मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे, फिर भी रहे, लेकिन अभी जो रास्ता घाट सब जगह का देख रहे हैं, एकदम चकाचक मिल रहा है। उनके सरकार में कोई रास्ता घाट अच्छा नहीं था। अच्छा, गली गली भी आप भी घूम सकते हैं, देख सकते हैं कि एकदम रास्ता भी फाई रास्ता है एकदम। तो यहाँ पे इनको लगता है कि बीजेपी, पहले जो हमें मिले शख्स उन्होंने कहा कांग्रेस। आगे थोड़ा निकलते हैं, यहाँ की बहुत सारी चीजें फेमस है। आप गुवाहाटी आसाम आ रहे हैं तो यहाँ के रंग दिखाना बहुत जरूरी है आपको। क्या नाम है आपका? हाँ। क्या बोलते हैं इसको इधर? गमछा बोलते हैं। गमछा ही बोलते हैं। और इसको पूरे डिजाइन को क्या बोलते हैं? पूरे डिजाइन का ही वन साइड है।
वन साइड, हाँ, इसको क्या बोलते हैं इधर की डिजाइन को, खाली इसको ऐसे कैसे हाथ से बनाया जाता है? हाँ, हाथ से बना। कौन बनाता है? जो बोनिया बनाता है, जो लोग ये सब बनाता है, जो कारीगर होता है, जो कारीगर होता है। क्या नाम है आपका? रश्मि। तो रश्मि जी, आप एक बात बताइए कि इन गमछों को यहाँ पर क्या, यहाँ की आर्ट को बढ़ाने के लिए सरकारों ने काम किया है? सरकार ने तो ऐसा काम तो किया नहीं। इस बार देश में चुनाव है, फिर क्या लग रहा है मोदी जी की, राहुल जी? मोदी जी लग रहा है। मोदी जी क्यों, राहुल जी क्यों नहीं? मोदी जी लग रहा है क्यों, सारी जगह पर मोदी जी चर्चा हो रहा है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है सबके लिए। ये जो है इसको क्या बोलते हैं? झापी। है? झापी। झापी, झापी लगा के, झापी क्या, ये मतलब ऐसे सजाने के लिए ले जाते हैं लोग की? सजाने के लिए भी ले जाते हैं और आदमी लोगों का जो सम्मान देते हैं उनके लिए झापी और गमछा दे के सम्मान करते हैं। अच्छा, आपने कभी मोदी जी को या राहुल जी को जब चुनावी रैली में देखा होगा तो झापी और गमछे के साथ देखा होगा, क्योंकि लोग इसे सम्मान के तौर पर पहनाते हैं। आप कभी किसी रैली में किसी नेता को इसको पहने हुए देखे तो समझ जाइएगा कि आप आसाम से कोई रैली देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी के क्लब सर्कल से निकलने के बाद, अंबेरी सर्कल से निकलने के बाद हम पहुंचे हैं यहाँ के दिघली पुखरी। दिघली पुखरी में आपको यहाँ पर बोटिंग हुक करते हुए लोग मिलेंगे, घूमते हुए लोग मिलेंगे। शाम के वक्त यहाँ पर अच्छी खासी, शाम और सुबह के वक्त यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होगी। लोग यहाँ घूमने आते हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला को संजोने के लिए और उसको देखने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। नमस्कार, क्या नाम है मैम आपका? संगीता। संगीता जी किधर, गुवाहाटी में रहती हैं? हाँ जी। क्या करती हैं? हाउसवाइफ हो, बच्चों का संभालती हो, घर संभालती हो। बहुत बड़ा काम करती हैं आप। ये सबसे बड़ा काम है, ये सबसे बड़ा बिजनेस है। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि इस वक्त देश में चुनाव है। हाँ। और चुनाव में अगर देखा जाए तो दो राष्ट्रीय चेहरों की अगर मैं बात करूँ तो मोदी जी और राहुल जी का चेहरा सामने आता है। क्या लग रहा है कि आसाम की जनता का मिजाज किस तरफ रहेगा? मोदी जी क्यों, राहुल जी क्यों नहीं? वो तो सारी जनता जानती है, आप 5 साल में देखे ही होंगे मोदी जी ने क्या किया है, राहुल जी ने क्या किया है। तो किन बड़े मुद्दों, क्या आसाम के जो मुद्दे हैं, चाहे वो NRC हो, चाहे वो विकास हो, फिर पूर्वोत्तर राज्यों के आर्ट या यहाँ की कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात हो, या फिर राष्ट्रीय मुद्दों में सर्जिकल स्ट्राइक हो, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो, ऐसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा, या आसाम के स्टेट के इलेक्शन, स्टेट के हस्बैंड से पूछिए, वो बताएंगे आपको। आपके हस्बैंड से पूछिए। चलिए, आपके हस्बैंड का नाम, आपका नाम क्या है? श्री भुवन पारिक। श्री भुवन साहब, क्या करते हैं आप? मैं अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट है, तो आप तो सोच समझ के एकदम तोल मोल के बात करेंगे। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर कि क्या लग रहा है, इस बार देश में फिर चुनाव है। हाँ। और दोनों ही बड़ी पार्टियां, और मेन अगर आप गुवाहाटी में ले लेंगे तो बड़ी जो लड़ाई है वो BJP कांग्रेस के बीच रही है। हाँ जी। इस बार राष्ट्रीय चेहरों में मोदी जी या राहुल जी? मोदी जी। मोदी, राहुल जी क्यों नहीं? जो मोदी जी में जो क्वालिटी है वो राहुल जी में नहीं। जैसे क्या, अभी आपने जो मोदी जी का जो काम देखा है पिछले 5 सालों में, वो मुझे कांग्रेस ने 60 सालों में काम नहीं किया। और मोदी जी आएंगे तभी देश का विकास है। और चलिए तो यहाँ से चलते हैं और यहाँ से मैं आपको ले जाऊंगी जो कुछ खास मार्केट्स यहाँ लगते हैं, जहाँ गुवाहाटी और खासतौर पर बाहर के भी जो लोग आते हैं वो उन मार्केट्स में जाना पसंद करते हैं, और हर तरह की राय आपको वहाँ पे मिल जाएगी। पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों की तरह असम के पास भी कलाकृति के हजारों रंग हैं। वक्त की दरकार है कि बेहतर मार्केटिंग से इनकी चमक को बढ़ाया जाए। गुवाहाटी के बाजारों में भीड़ भाड़ के साथ साथ रौनक भी दिखती है, लेकिन सवाल वही है कि क्या सरकारों ने व्यापार कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया, या फिर सब कुछ अपनी ही सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ता रहा है। गुवाहाटी घुमाते घुमाते मैं आपको ले आई हूँ गुवाहाटी के मेन बाजार में, जहाँ बड़ी बड़ी दुकानों से लगाकर छोटे छोटे कपड़े बेचते रेड़ी वाले लोगों को आप देखेंगे, छोटे छोटे व्यापारियों को देखेंगे जो हर रोज अपना दुकान लगाते हैं, गुजारा करते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, ठीक इसके 2 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको किनारा मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी का, और यहाँ के बाद आपको इस तरफ बड़ा मार्केट मिलेगा। मतलब ये एक सिटी के बीच में बना एक बड़ा मार्केट है जिस पर हम बात कर सकते हैं, जहाँ लोगों से हम बात कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग यहाँ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मदन। मदन जी यहीं रहते हैं गुवाहाटी में? जी हाँ, गुवाहाटी में रहता हूँ। शॉपिंग हो गई? अभी तो हो गई शॉपिंग। अच्छा, फैमिली के साथ आए हैं? फैमिली के साथ हूं। अच्छा मदन जी, क्या करते हैं आप? जी फार्मा कंपनी में मैनेजर हैं। अच्छा, कंपनी में मैनेजर हैं। तो मदन जी एक बात बताइए, अब देश में चुनाव है,
और चुनाव में अगर देखा जाए तो खास लड़ाई अगर मैं आसाम की समझूं, यहाँ पे भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, बीजेपी का हालांकि गठबंधन है, लेकिन लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी फिर से आ पाएंगे या राहुल गांधी जी के साथ दिखेंगे? ऑल ओवर इंडिया है बीजेपी चाहती है। ऑल ओवर इंडिया, यस यस, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, नॉट इवन असम। हां, ऑल ओवर इंडिया बीजेपी चाहती है, बीजेपी आएगी। गांधी, राहुल गांधी जी क्यों नहीं? राहुल गांधी अभी वो मैच्योरिटी लेवल उतना है नहीं उनको। अच्छा, आसाम का बहुत बड़ा मुद्दा है एनआरसी को लेकर, यहाँ के लोगों में क्या वो गुस्सा है? यहाँ पे भी कास्ट कम्युनिटी के आधार पर वोट दिए जाएंगे? एनआरसी चाहिए, चाहिए, ये गवर्नमेंट मतलब इंडियन के लिए सेफ्टी के लिए रिकॉर्ड है, चाहिए एनआरसी चाहिए। आपको लगता है वो सही है, वो होना चाहिए? Correct, it's correct. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? अमित शाह। आपका नाम तो बड़ा चुनावी है सर, अमित शाह के नाम से फायदा मिलता है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ तो फायदा नहीं मिलता है। अच्छा, लोग दूसरी बार फिर से पूछते होंगे जरूर। हाँ, ये पूछता है। अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है और सरकारें बनाने में सबसे माहिर माना जाता है, लेकिन चलिए इसको अलग रखते हैं। आप ही का शॉप है ये, इस बार क्या लग रहा है देश में किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? आपका नाम अमित शाह इसलिए? नहीं नहीं, वो तो दूसरा रीजन हो गया, लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, ममता बनर्जी हैं, लगता नहीं है कि कुछ होगा, क्योंकि एक तो माइंड होना पड़ेगा चलाने के लिए, तो ऐसा माइंड तो जैसे मोदी का है, मैं नहीं समझता कि राहुल का है इतना। ये आसाम गुवाहाटी के अमित शाह जी हैं और इसीलिए ये चाहते हैं कि इनके यहाँ पर बीजेपी आए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसाम का सिल्क साड़ी, मुगा साड़ी बहुत फेमस है और दुनिया में कहीं पे भी आप जाएंगे तो आसाम का जो जो टूरिस्ट जो यहाँ आता है वो यहाँ पे साड़ीज जरूर देखेगा। यहाँ बहुत सारी साड़ीज हैं, लेकिन हमें सर क्या नाम है आपका? सीमांत दास। सीमांत दास, सीमांत क्या दिखाएंगे आप हमें, ये बताइए पहले तो मुझे कि यहाँ का क्या क्या फेमस है? यहाँ का एक आसामी साड़ी लोकल ड्रेस होता है मेखला। मेखला, यस मेखला। आपको मैं बताऊं, दो तरह से आप लपेट के पहन सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। आपने कई बार जो बिहू डांस जो लोग करते हैं उनको पहने देखा होगा। ये साड़ी है, ये मेखला हो गया, ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा ऐसे हाँ, और देखिए सीमांत दास हमें पहन के भी दिखा देंगे। और ये हो गया ये मेखला। आसाम का मोगा साड़ी बहुत फेमस है, मोगा साड़ी यहाँ का नेचुरल फैब्रिक है। अच्छा, मुगा सिल्क है। हाँ, यहाँ पे ये फेमस है, मतलब यहाँ के शादियों में तो मतलब ये होना ही होना है, ये पहनना ही पहनना पड़ेगा। लोग भी आते हैं तो मुगा से ही मतलब विख्यात है कि आसाम का ये मुगा और जगह नहीं मिलता है। देखिए आसाम का मोगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा, और इसलिए मुझे भी लगा कि मैं आपको दिखा दूं। ये बेज कलर जो आपको दिख रहा है यही इसकी पहचान है, ये नेचुरल कलर है, ये डाई नहीं है, ये नेचुरल कलर है इसका। इसी पे कॉम्बिनेशन अलग अलग और इसी पे कॉम्बिनेशन होते हैं, और ये जो डिजाइन आपको दिखाया था हमने, ये आसाम का यही लोगो आपको बाकी और सिल्क पे भी दिखेगा और यही आसाम की खास पहचान है। ये साड़ी तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन ये क्या है? राइनो डिजाइन है, बिल्कुल ये जो डिजाइन आपको दिखेगा, ये राइनोस आपको आसाम के टूरिज्म के बड़े बड़े पोस्टर पर भी दिखेगा। और अगर आप उसकी साड़ी पर देखेंगे, ये झांपी यहाँ की बहुत फेमस है। आपने प्रधानमंत्री मोदी को कई बार झांपी पहने देखा होगा, राहुल गांधी को झांपी पहने देखा होगा, क्योंकि लोग जब किसी को सम्मान देते हैं यहाँ पे तो वो झांपी पहना देते हैं। आपका नाम क्या है सर? चंद्रभान तिवारी। चंद्रभान तिवारी साहब, 23 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग भी होनी है, इस बार देश में क्या लग रहा है, मोदी जी का परचम या राहुल गांधी जी? एक सबका अपना अपना होग तो लगा है, लेकिन मेरे ख्याल से तो मोदी जी आएंगे। आसाम अपनी संस्कृति के लिए बहुत फेमस है, और खास तौर पर अगर आप आसाम में आते हैं तो यहाँ का बिहू वर्ल्ड फेमस है। बिहू आप अलग अलग तीन सांस्कृतिक उत्सवों को मिलाकर बनता है, आप बिहू नृत्य देख लीजिए, बिहू संगीत देख लीजिए, और इस वक्त जो ये महिलाएं मेरे साथ हैं ये बिहू कोरस गाने वाली है, मतलब जो ये संगीत है उसको थोड़ा आवाज देने वाली है। अच्छा, बिहू का म्यूजिक गाते गाते, लेकिन मैं आपका इनको अटायर जो आप देख रहे हैं ये मोगा सिल्क है यहाँ का जो बहुत फेमस है, और मैं आपको दिखा चुकी हूँ। क्या नाम है आपका? बाबली चौधरी। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग भोरलुमुंग में। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि एक बार मुझे बिहू गा के सुनाइए तो आप थोड़ा कोरस गाएंगे? एक बार गाइए, जरा थोड़ा गाइए, शुरू कीजिए। ये बिहू का ये
यहाँ देखिए, आप जब किसी देश के विकास की बात करते हैं तो वो देश की संस्कृति से भी जुड़ा है और देश के लोकतंत्र से भी जुड़ा है, यानी कि राजनीति से मजबूत होता हुआ लोकतंत्र, जनता की आवाज से मजबूत हुआ लोकतंत्र और इसके साथ साथ संस्कृति भी। लेकिन अगर आसाम से मैं पूछूं कि इस बार देश में चुनाव है, इलेक्शंस में क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने हैं, कौन से बड़े मुद्दे होंगे? मोदी मुद्दा कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ मोदी सरकार। अच्छा, मोदी सरकार। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी ऐसा नहीं होगा जे आगे जो 60 इयर्स होता है ना, इसलिए कांग्रेस में जो काम करा है वो माने इसलिए परिवार केंद्रित होता है। पहला में एक नंबर बाधा परिवार केंद्रित होता है, वो लोग फैमिली का मैटर होता है। कांग्रेस का एक बाधा जो फैमिली का वो टिकट देता है, वो माँ का नहीं तो वाइफ का नहीं तो बेटा का नहीं तो बहन का कोई को टिकट देता है फैमिली। तो मोदी जी क्यों? मोदी जी जो काम करता है ग्रासरूट से करता है और फिर वो कल कुछ नहीं करता है। अभी तो मोदी का मामी कैसा रिक्शा में जाता है, ऐसा देश में ऐसा आदमी चाहिए जो प्रधानमंत्री होता है, ग्रासरूट में काम करता है। देखिए, आप चाहे संस्कृति की बात करें तो भी महिलाएं तेज हैं, चुनाव पर बात करें तो भी इन्हें सब पता है। और अब से कुछ देर में मैं आपको यहाँ पर एक वो नृत्य भी दिखाऊंगी, बिहू नृत्य, जिसको आसाम की पहचान है और इसी से आसाम को दुनिया में जाना भी जाता है, देश में जाना भी जाता है, वही नृत्य बिहू नृत्य। उन लोगों से भी बात करें। अप्रैल के महीने में आसाम के लोग अपना नववर्ष मनाते हैं और नववर्ष मनाते हुए अगर मैं आपको बिहू नृत्य की तस्वीर दिखाऊं तो इसमें आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं एक चीज बता दूं कि इसमें बिहू में एक तो ढोल इम्पोर्टेंट है, पेपा जो होता है वो भैंस के सींग से बनता है और ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इस डांस का। इसमें बांसुरी भी होती है, बांसुरी भी होती है और क्या होता है, गोगुना होता है और ताल, ये एलिमेंट्स इसके इम्पोर्टेंट है। आप लीडर हैं ग्रुप के? नहीं, मैं ग्रुप का मेंबर। ग्रुप का मेंबर है, कोई एक लीडर होता है यहाँ पे? लीडर वो अभी नहीं है, अभी नहीं है, रिहर्सल कर रहे हैं, तैयारी चल रही है क्योंकि यहाँ ये लोग जब सेलिब्रेट करते हैं तो पहले तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, ये बताइए कि आपका लीडर तो तैयारी कर रहा है, देश में दो लीडर बनने के लिए दो चेहरे दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी का, राहुल गांधी का, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, इस बार किसकी तैयारी पक्की लग रही है? नॉर्थ ईस्ट फॉर मोदी, मतलब पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा जिला जो है वो गुवाहाटी है और वहाँ पर अगर आकर आप सर्वे करते हैं तो ये समझ लीजिए कि पूर्वोत्तर की आवाज़ आप दिखा रहे हैं और पूर्वोत्तर में मोदी। कितने साल के हैं आप? मेरे 22 साल के और आप वोट भी देने जाएंगे, इस बार क्या लग रहा है देश में लोग नरेंद्र मोदी के साथ होंगे कि राहुल गांधी के साथ? नरेंद्र मोदी। आप अपना बिहू शुरू कर सकते हैं, आप शुरू कर दीजिए। यही आसाम का असली रंग है, लेकिन 40 दिन बाद जब नतीजे आएंगे तो आसाम का राजनीतिक रंग सामने आ जाएगा। फिलहाल गुवाहाटी पर बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी के सांसद यहां पर मौजूद हैं और इस वक्त अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो लोग राष्ट्रीय चेहरे में मोदी जी का नाम लेते हैं। लेकिन खास तौर पर अगर आप कास्टिज्म पर जाएंगे, यानी कि जातिवाद, धर्म के आधार पर वोट की बात करेंगे, तो एक तबका ऐसा है जो कांग्रेस का पलड़ा भारी देखना चाहता है। फिलहाल आसाम गुवाहाटी से इस एपिसोड में इतना ही, आसाम के कई और रंग गांवों से, आदिवासी इलाकों से भी आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।